द बार्बी टास्क में आप सभी का स्वागत है। रूपा कमरे के बाहर तैयार होकर खड़ी है। सोना और पन्नू कमरे के अंदर तैयार हो रहे हैं। मालती गाय को चारा डाल रही है। सोना पन्नू जल्दी आओ। सोना और पन्नू तैयार होकर कमरे से बाहर आते हैं। अरे दीदी, हम दोनों तैयार हैं, अब चलो। मालती गाय को चारा देकर आती है। तुम लोग जल्दी जाओगे तभी अंधेरा होने से पहले नानी के घर पहुंच पाओगे। हाँ मम्मी, अब हम लोग चलते हैं। इतना कह रूपा सोना पन्नू घर से निकल जाते हैं। रास्ते में सोना बोलती है, पन्नू तुम्हें पता है मेरी नानी के घर अमरूद केला सेब सबके पेड़ है, तुम वहाँ खूब केला सेब खाना। मुझे केला बहुत पसंद है। सोना जल्दी चलो, देर हो रही है। फिर सोना रूपा जल्दी जल्दी चलने लगते हैं और अपनी नानी के घर पहुंच जाते हैं। अरे वाह दीदी, आपकी नानी का घर कितना सुंदर है, चारों तरफ पेल ही पेल है, हर तरफ हरियाली है। अरे पन्नो, ये तो कुछ नहीं है, जब तुम नानी के आम केले संतरे के बाग देखोगी तो कहोगी मुझे यहाँ से जाना ही नहीं है। तुम लोग 2 मिनट चुप हो जाओ, घर पर कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? नाना नानी मामा मामी पता नहीं कहाँ गए। मामा मामी कहाँ हो? रूपा की आवाज सुन उसकी मामी रसोई से बोलती है, रूपा सोना तुम दोनों आ गए। इतना बोल सोना रूपा की मामी रसोई से बाहर आती है। सोना और रूपा मामी के पैर छूते हैं और पन्नू भी पैर छू लेती है। अरे ये छोटी लड़की पन्नू है ना? हाँ मामी, यही हमारी पन्नू है। पन्नू ये हमारी मामी है। पन्नू देख लो, हमारी मामी कितनी सुंदर है। रूपा दीदी, मेरी मालती मामी भी बहुत बहुत सुंदर है। पन्नू की यह बात सुन सभी हंसने लगे हैं। मामी नाना नानी और मामा दिखाई नहीं दे रहे, कहीं गए हैं क्या? रूपा, आपके नाना नानी और मामा कल शाम को ही वैष्णो देवी के दर्शन करने गए हैं, क्योंकि नवरात्र चल रहे हैं। अरे वाह, कितनी अच्छी बात है। अब तुम लोग बैठो, मैं तुम लोगों के लिए नाश्ता पानी लेकर आती हूँ। सभी लोग बैठ जाते हैं और मामी नाश्ता लेने चली जाती हैं। दीदी वो देखो, घर के ऊपर अंगूर, वो छोटी चिड़िया अंगूर खा रही है, उसे भगाओ। पन्नू खाने दो, यहाँ अंगूर बहुत सारे हैं। तभी सोना की मामी प्लेट में काजू किशमिश बादाम लेकर आती हैं और लाकर टेबल पर रख देती हैं। बच्चों तुम लोग काजू किशमिश खाओ, मैं चिंकी मिंकी को देखती हूँ, दोनों कहाँ खेल रही हैं। ये चिंकी मिंकी कौन है? चिंकी मिंकी मेरी बेटी है और आपकी बहन, और दोनों आपकी तरह ही नटखट है। फिर तो खूब मजा आएगा। हाँ बेटा, आपको खूब मजा आएगा। तभी पीछे से चिंकी मिंकी चिल्लाती हुई आती है। मम्मी, चिंकी मिंकी दोनों एक जैसे दिख रही हैं। मामी ये चिंकी मिंकी तो हम शक्ल हैं। हाँ पन्नू ये जुड़वा है। रूपा दीदी, सोना दीदी। फिर दोनों भागकर सोना रूपा की गोद में आकर बैठ जाते हैं। चिंकी मिंकी ये पन्नो है, तुम्हारे घर घूमने आई है, अब तुम दोनों इसे अपना गांव घुमाओ। ठीक है दीदी। अब तुम सब लोग खेलो, मैं थोड़ी देर में खेत से आती हूँ। इतना बोल सोना रूपा की मामी खेत में काम करने चली जाती हैं। लेकिन मुझे अभी गांव नहीं घूमना, मुझे पहले इस घर के ऊपर जो अंगूर है वो तोड़ने हैं। अच्छा रुको पन्नू, हम सीढ़ी लेकर आते हैं। फिर चिंकी मिंकी सीढ़ी लेने चली जाती हैं और सीढ़ी लेकर आ जाती हैं। चिंकी मिंकी दोनों मिलकर सीढ़ी लगा देती हैं। सीढ़ी लगते ही चिड़िया उड़कर दूसरे पेड़ पर बैठ जाती है। सबसे पहले पन्नू सीढ़ी से छत पर चढ़ती है। पन्नू चढ़ते ही अंगूर तोड़कर खाने लगती है। फिर चिंकी मिंकी भी छत पर चढ़ जाते हैं।
पन्नो आराम से बैठो, नहीं तो नीचे गिर जाओगी। अरे रूपा दीदी आप परेशान मत हो, पन्नो नहीं गिरेगी, हम लोग आराम से बैठे हुए हैं। तभी पन्नो की नजर एक पेड़ पर जाती है। चिंकी मिंकी ये पेड़ किस चीज का है? पन्नो इस पेड़ को छूने से ये पेड़ बोलता है। मैं समझी नहीं। मतलब इस पेड़ को किसी ने छूने की कोशिश की, ये पेड़ उसे डांटता है। ये बहुत डरावना पेड़ है, इसलिए इसके पास कोई भी नहीं जाता। सच में मिंकी? तभी तो हम इस पेड़ को छूते नहीं है, अगर इसे छुएंगे तो ये हमें डांटेगा और मारेगा। मेरे दादाजी बोलते हैं इस पेड़ से जो भी हम सच्चे मन से मांगते हैं ये पेड़ हमें दे देता है। ये तो बड़ा अजीब पेड़ है, मैं इस पेड़ पर चढ़ना चाहती हूँ और इसके फल खाना चाहती हूँ। पन्नो ये बोलते ही सीढ़ी से नीचे उतरने लगती है। पन्नो इस पेड़ के पास मत जाओ, ये पेड़ बहुत गुस्से वाला है। पन्नो नहीं मानती और जल्दी से सीढ़ी से नीचे उतरकर आ जाती है। पन्नो तुम नीचे क्यों उतर गई? अच्छा तुम खेलो, मैं और सोना अपने बचपन की सहेली से मिलने के लिए उसके घर जा रहे हैं। फिर सोना और रूपा अपनी सहेलियों से मिलने चले जाते हैं। पन्नो प्लीज उस पेड़ के पास मत जाना, वो पेड़ बहुत खतरनाक है। पन्नो चिंकी मिंकी की बात नहीं मानती और उस पेड़ के पास चली जाती है। पन्नो के पेड़ के पास पहुंचते ही पेड़ पन्नो से बोलता है, मैं इस पेड़ के फल खाने आई हूँ। मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। चिंकी छत से बोलती है, पन्नो प्लीज उस पेड़ के पास मत जाओ, इधर आओ। पेड़ बाबा आप बहुत अच्छे हैं। मैं किसी का बाबा नहीं हूँ। आप मेरे पेड़ बाबा हैं। पेड़ बाबा मैं आपके फल तोल कर खा लूँ क्या? अगर तुमने एक भी फल तोड़ा तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। पन्नो पेड़ के पास जाती है और गले लग जाती है और बोलती है, पेल बाबा आज से आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। आज तक मुझसे किसी ने प्रेम से बात नहीं की, सब मुझे भूत वाला पेड़ बोलते हैं, जिसमें मुझे पेड़ बाबा बोला और मुझसे गले लग गई। आप बहुत अच्छे हो पेल बाबा। तुम्हारा नाम क्या है लड़की? मेरा नाम पन्नो है, मैं बलरामपुर गांव से आई हूँ। पन्नो मेरे फल खाना चाहती हूँ तो रुको मैं तुम्हें एक मीठा अंगूर देता हूँ। पेड़ बाबा मैं अंगूर नहीं खाना चाहती, मुझे संतरा दो। पेड़ बाबा अपने जादू से पन्नो को एक संतरा देते हैं। ये सारा नजारा छत से चिंकी मिंकी देखते हैं। चिंकी इस पेड़ ने पन्नो को संतरे दिए और जब हम संतरे मांगते हैं तो हमें दौड़ा कर मारता है। हाँ मिंकी सही कह रही हो, चलकर हम दोनों देखते हैं। फिर दोनों छत से नीचे उतर कर आती है और पेड़ के पास जाती है जहाँ पन्नो खड़ी है। पन्नो इस भूतिया पेड़ ने तुमको संतरा दिया क्या? हाँ दीदी। मिंकी की आवाज सुनते ही पेड़ तुरंत बोलता है, ए लड़की तूने मुझे फिर से भूतिया पेड़ बोला, रुक तुझे बताता हूँ। चिंकी भाग, ये भूतिया पेड़ हमें मारने के लिए आ रहा है। चिंकी चिंकी जल्दी भागो, पेड़ हमारा पीछा कर रहा है। चिंकी मिंकी को भागता देख पन्नो खूब हंसती है। दोस्तों इस कहानी का अगला पार्ट और भी मजेदार होने वाला है, अगले पार्ट के साथ फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।